कोई ज़्यादा हिंदुओं से खुल से रब्ता नहीं था, लेकिन जब जुलूस निकलने शुरू हुए जिसमें नारा सबसे मकबूल होता था कायदे आज़म का फरमान लेके रहेंगे पाकिस्तान, वो जो एक पुरानी कश्मकश चल रही थी हिंदुओं के दिलों में, वो उसकी वजह से हालात बड़े ख़राब होने लगे। उन्होंने एक दिन पहले अहलालों को मार डाला, कफन पहनते थे, बेलटा यहाँ रखते थे और अपना जत्था बना के निकलते थे अपने आवाज़ हमारे सीक्रेट जाते थे स्कूल टांगों में थी हमारे साथ निकल के आ रहे होते थे। 46 के जो इलेक्शन हुए जिसमें मुस्लिम लीग ने पूरे पंजाब में स्वीप किया, जब हिंदू अखबारात ने तंज करने शुरू किए मुस्लिम लीग के जुलूसों पे और ये कहा कि ये तो मुसलमान जो हैं ये पाकिस्तान की तहरीक चला रहे हैं, आज़ादी की तहरीक नहीं है, पाकिस्तान बनाने की तहरीक है। कांग्रेस जो है वो पीछे हटती चली गई। जब पाकिस्तान की करारदाद लाहौर में 23 मार्च 1940 में मंजूर हुई, इसके बाद से हालात बहुत ख़राब होने लगे। पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐलान किया कि जो मुजाहिदीन के साथ जाएगा ना उसका इम्तिहान एग्जम्प्ट है, और लोग धड़ाधड़ जमा हो रहे थे पंजाब में, इतने ज़्यादा थे कि सारी जब पाकिस्तान बना है तो पंजाब ही के बलबूते पे बना। ऐलान हुआ डिप्टी कमिश्नर की तरफ से जो छतों पर चढ़ के किया गया, क्योंकि उस ज़माने में मस्जिदों में लाउड स्पीकर वगैरह तो होते नहीं थे, तो मेरे वालिद ने भी छत पर चढ़ के ऐलान किया था कि थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू खोला जा रहा है और डिप्टी कमिश्नर का हुक्म है कि आप लोग घर खाली कर दें। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तो अब कत्लोगारत हो गया ना, वहाँ उस्ताद था, स्कूल को ताले लग चुके थे। ज़रूरी सामान हो सकता था लेके लोग निकल पड़े घरों से, हमें ले जाके बाहर शहर से मैदान में बिठा दिया था, एक उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई साया नहीं था, कुछ नहीं था। ट्रेनों की ट्रेनें रोज़ रेलवे स्टेशन वाले लाशों को फेंकते थे, गाड़ियों को धोते थे। रियासत पटियाला की शहजादी, वो एक दिन कृपान लहराने ले आई अपने घर से, पलंगी से छुपाई हुई थी और निकाली और खूब हमारे ऊपर तलवार हवा में मारी, कब बनाओ तो पाकिस्तान, बताते हैं तुमको पाकिस्तान, बनाओ पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान तो था, वो लोग नहीं थे जो ये सोच के आए थे कि ये मुसलमानों की जन्नत होगी। नौजवानों पे बहुत उम्मीदें उनसे वाबस्ता रखता हूँ और मैं समझता हूँ और सोचता हूँ कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके पास जो इल्म के ज़राए हैं वो मेरी नस्ल के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान।